हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभकांत। आप सबको हमारा चैनल गुगुस वाल पे स्वागत है। अभी हम पहुंच गए रामेश्वरम और आज अभी जो हमारा यात्रा शुरू होने वाला है यहीं से रामेश्वरम, और हम आज पूरा रामेश्वरम को एक्सप्लोर करते हैं। चलो देखते हैं आगे क्या क्या हमारा साथ आज होने वाला है। हेलो दोस्तों, अभी हम होटल में पहुँच गए और होटल में रिफ्रेश होने के बाद हम चलते हैं अग्नि तीर्थम। उससे पहले मैं आपको बता दूँ रामेश्वरम के बारे में। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के चार धामों से एक है। उसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी को जो मान्यता है वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 4.25 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घेरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। बहुत पहले यह द्वीप भारत के मुख्य भूमि को साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर के लहरों ने से मिलाने वाले कड़ी को काट डाला। हेलो दोस्तों, हमारा यात्रा शुरू होने से पहले अगर आपने हमारा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से तुरंत कर दीजिए। अभी हम जा रहे हैं अग्नि तीर्थम। अगर आपको मैं थोड़ा बता दूं अग्नि तीर्थम के बारे में, अग्नि तीर्थम रामेश्वरम का एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद समुद्र के ही इसी हिस्से में स्नान किए थे। भगवान राम यहां स्नान करने के एक ब्राह्मण का वध करने के बाद प्रायश्चित करना चाहते थे। इसीलिए हिंदू तीर्थयात्रियों के बीच माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाता है। इसीलिए हम भी इसी कथा को मानते हैं और मानते हुए हम चले अग्नि तीर्थम को हमारा पहली जो स्नान करने के लिए।
यहाँ पे अग्नि तीर्थम के स्नान के बाद अगर कोई श्रद्धालु उनके पूर्वजों को श्राद्ध शांति देने के लिए चाहते हैं, यहाँ पे डुबकी लगा के आप देख सकते हैं यहाँ पे पूजा होता है। बहुत सारा श्रद्धालु उनके पूर्वजों को श्राद्ध देते हैं। यहाँ पे माना जाता है अगर श्राद्ध देते हैं उसके बाद उनके परमात्मा को शांति मिलता है। स्नान के बाद हम चले बाईसकुंड में स्नान करने के लिए। वहाँ पर एक बड़ी लंबी लाइन थी। हम उस लंबी लाइन में लाइन देके पर हेड 25 रुपये देके स्नान करने के लिए गए। दोस्तों आपको मैं बता दूं, यहाँ का एक अनोखी चीज़ है जहाँ की शायद विश्व में आपको नहीं जब मिलेगा, यहाँ पर जो है स्तंभ। हालांकि सोशल मीडिया पे दावा की जाती है यहाँ का जो स्तंभ है उनका संख्या 12 से 12 है, लेकिन मुझे आखिर में कितना पता नहीं है। और मैं आपको बता दूँ, स्तंभ का ऊंचाई 30 फीट है और दो स्तंभ का जो अंतर है लगभग 5 से 6 फीट है। और आपको हर एक स्तंभ एक जैसे लगेगा, उनका जो डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर है, पूरा एक जैसा है, आपको कहीं दूसरा नज़र नहीं मिल। बस यहाँ तक मोबाइल अलाउ है, उसके आगे मोबाइल अलाउ नहीं है। नहाने के बाद हमने होटल चले और ड्रेस चेंज करने के बाद जो साइट सीन है उसको घूमने के लिए हमने निकल पड़े और हमने ऑटो के सवारी ली है और अभी हम धनुषकोडी डायरेक्ट जा रहे हैं। आप धनुषकोडी पहुंचने से पहले हम एक मंदिर गए थे, उस टेंपल का नाम विभीषण टेंपल है। विभीषण मंदिर को देखने के बाद हम निकले धनुषकोडी के लिए। धनुषकोडी को हम धनुषकोटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुर जिले में रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण पूर्व कोने में स्थित एक
भूतपूर्व नगर है। यह पाम्बन से दक्षिण पूर्व में और श्रीलंका के तेलमन्नार से 26 किलोमीटर पश्चिम में है। धनुषकोडी नगर 1966 में रामेश्वरम चक्रवात से ध्वस्त विध्वस्त हो गया था और फिर इसे नहीं बसाया गया। हम जब धनुषकोडी पहुँचे उसी दिन तेज बारिश के वजह से सारी लोग नंगे पैर जाते हैं और हमें भी बोला गया था कि चप्पल या शू कुछ मत पहनो क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे पानी ज़्यादा है और बारिश भी हो रही है। इसीलिए हम हमारा शू को ऑटो में निकाल के नंगे पैर आ गए। धनुषकोडी में बहुत सारा छोटे बड़े पर मंदिर है लेकिन यहाँ पे कोई घर नहीं था क्योंकि यह सारे झोपड़पट्टी में था। आप देख सकते हो यहाँ का घर भी कोई भी कुछ नहीं है। और हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला एक फ्लोटिंग स्टोन, आप देख सकते हो लोगों उस पर एक पानी में तैर रही है फ्लोटिंग स्टोन, वो डूबते नहीं है। लोग बोलते हैं कि ये पत्थर जो कि राम सेतु के लिए यूज़ किया हुआ था।
धनुषकोड़ के बाद हम चले भारत का अंतिम छोर रामेश्वरम से ठीक 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जिसे हम अरिचल मुनाई के नाम से जानते हैं। और यह जगह श्रीलंका तलाई मनार आइलैंड से आइलैंड सिर्फ 20 किलोमीटर दूर पर है। यहाँ आकर आपको ऐसे असीम शांत की अनुभूति और जन्नत सा एहसास होगा। अरिचल मुनाई जाने के रास्ते पर बाईं तरफ बंगाल की खाड़ी है तो दाईं तरफ मन्नार की खाड़ी है। हिंद महासागर बता दे, इस रास्ते श्रीराम लंका के ओर गए थे। कहा जाता है कि जब श्रीराम समुद्र से रास्ता मांग रहे थे तो उसने इनकार कर दिया। तब क्रोध में आकर समुद्र को सुखाने के लिए श्रीराम ने बाण छड़ा लिया था। समुद्र ने अपनी गलती मानी और श्रीराम को सेना को रास्ता दिया। तब से ये तरफ का समुद्र शांत है तो दूसरी का उथल पुथल वाला इस रास्ते पर राम सेतु बना है। और आप देख सकते हो यहाँ का भीड़ भाड़ ज़बरदस्त है, क्योंकि हम गए थे वीकेंड के टाइम पे और यहाँ पे बहुत सारा भीड़ हुआ था। और यहाँ का जो नज़ारा है, यहाँ का जो समुद्र है, इतना शांत है, शायद आपको ये शांत नज़ारा किसी और समुद्र पे नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा जो गाड़ी है, सब लोग आते हैं यहाँ पे, कम्युनिकेशन ऑटो है, प्राइवेट बस है, और यहाँ का गवर्नमेंट का कोई सुविधा नहीं है, तो इसीलिए हर यात्री अपने अपने तरफ से आते हैं। किसी लोग बाइक पे आते हैं तो किसी लोग ऑटो पे आते हैं, और किसी लोग अपने कार या प्राइवेट बस पे आते हैं। यहाँ को आने के लिए रामेश्वरम से बस 20 से 25 रुपया लगता है पर पर्सन। अगर आप ऑटो बुक करके आएंगे तो 700 से 1000 तक आ जाएगा, और प्राइवेट बस में आएंगे तो आपको मैं बता दिया 20 से 25 रुपया आ जाएगा। अरिचल मुनाई के बाद हम चले हाउस ऑफ कलाम। हाउस ऑफ कलाम यानी अब्दुल कलाम जो कि है उनका मेमोरियल है। हाउस ऑफ कलाम के बाद हम चले पंचमुखी हनुमान टेम्पल, जो कि रामेश्वरम से शायद 1.5 किलोमीटर था, जो कि वॉकेबल डिस्टेंस था, लेकिन हमने ऑटो बुक किया था, हमने ऑटो में गया। उसके बाद उनका बगल में है नटराज टेम्पल, आप देख सकते हो नटराज टेम्पल। उनका जो डिज़ाइन है शायद आपको नहीं मिलेगा कोई दूसरे जगह पर। यहाँ का जो कलाकृति है ये बहुत अट्रैक्टिव है। अगर चलो आप अंदर देख सकते हो, यहाँ के एंट्रेंस पे दो हाथी है, और उनके बाद यहाँ पर जो स्तंभ है आप देख सकते हो गोल्डन कलर का जो मंदिर है, ये बहुत अनोखी है और लाजवाब है। आप चलो अभी नटराज टेम्पल आप देखते हो। यहाँ का भीड़ भाड़ भी बहुत ज़बरदस्त था, देखिए आप। नटराज टेम्पल के बगल में है राम तीर्थ और लक्ष्मण तीर्थ। रामेश्वरम का यात्रा यहाँ तक था। अभी हम पहुँच गए रामेश्वरम रेलवे स्टेशन। हमारा अभी नेक्स्ट जो ट्रैवल है रामेश्वरम से कन्याकुमारी, हमारा ट्रेन है रात को 9 बजे। और अभी आप देख सकते हो हम ठीक रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं, और हमारा जो ट्रेन आने वाली है उसके इंतज़ार कर रहे हैं। और मेरा जो अभी गुगू है वो भी बड़ों के साथ बैठ के उनके मोबाइल पे आराम से कार्टून देख रही है, क्योंकि वो बोर हो रही थी, इसलिए हमने उनको मोबाइल दे दिया। वो भी आप देख सकते हो कितना मज़े ले रहे हैं। और
हेलो दोस्तों, बस यहाँ तक थी हमारा रामेश्वरम की यात्रा। अगली सुबह मिलेंगे कन्याकुमारी के साथ।